गुड फ्राइडे के अवसर पर ईसाई समुदाय के लोगों ने दिया शांति का संदेश। खबरों के प्रायोजक हैं माई किंडरलैंड पब्लिक स्कूल। माई किंडरलैंड पब्लिक स्कूल में प्रवेश प्रारंभ। पन्ने नगर के मोहन निवास के पास नेशनल हाईवे 39 में सेंट जोसेफ कैथोलिक चर्च में गुड फ्राइडे के अवसर पर ईसाई समुदाय के लोगों के द्वारा पैदल मार्च कर शांति का संदेश देते हुए मनाया गया। इस अवसर पर फादर जॉय ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा है कि प्रभु ईसा मसीह ने मानव जीवन की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और अपने प्राण न्यौछावर करने के बाद भी लोगों को एकता और शांति का मार्ग दिखाया। फादर जॉय ने बताया कि गुड फ्राइडे पवित्र शुक्रवार का ईसाई समुदाय में विशेष महत्व है और इसे बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से मनाया जाता है। इस अवसर पर सेंट जोसेफ कैथोलिक चर्च के संत फ्रुलेट अनाथ आश्रम तक पैदल मार्च कर शांति का संदेश दिया गया। इस संबंध में फादर जॉय ने क्या कहा, आप भी सुने। आज का कार्यक्रम गुड फ्राइडे, जो पवित्र शुक्रवार के रूप में हम मनाते हैं, हम ईसाई लोग प्रभु ईसा मसीह के क्रूस मरण को याद करते हुए आज प्रार्थना पूर्वक धर्म विधि हम यहाँ पूरी की और हम लोग प्रभु ईसा मसीह को ये मानते हैं, ये विश्वास करते हैं, वो मानव जाति को बचाने के लिए ईश्वर मनुष्य बनकर उसने अपना जीवन हम पापियों को बचाने के लिए अर्पित किया। क्रूस पर मरने के बाद हम सबको एक नया जीवन प्रदान किया। यही हम गुड फ्राइडे के रूप में मनाते हैं।